आई एम फ्रॉम दी इनफ फ्रेंड्स, आज हम बी ए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का हिस्ट्री का लेसन 19 करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है जहांगीर और शाहजहां के राजपूतों एवं दक्षिण राज्यों के प्रति नीति एवं मध्य एशियाई नीति का विवेचन। फ्रेंड्स, ये लेसन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दस बाय मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आया हूँ। और फ्रेंड्स सॉरी यार, आपकी वीडियो में रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है उसके कारण से ये हो रहा है, फेस करना पड़ रहा है मुझे, तो सॉरी यार सभी को, ठीक है। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है उसका वीडियो ट्राई करूँगा कि अच्छे से बना के दूँ आपको, बट जो वैसे हैं उनका स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आई वॉन्ट टू सेव माई ऑन टाइम। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन को। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इस लेसन की अगर हम बात करते हैं तो लेसन के अंदर में दो करेक्टर हैं, दो करेक्टर समझ लो या दो राजा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये लेसन की शुरुआत ना 1606 से होती है, 1606 से होती है, जहाँ पे ना जहांगीर का शासन होता है, ठीक है, जहाँ पर जहांगीर का शासन शुरू हो जाता है भारत के अंदर में, ठीक है। 1606 में, 1606 में जहांगीर का शासन शुरू होता है जो 1627 तक चलता है, ठीक है, 27 तक चलता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जहांगीर और हम शाहजहां के बारे में बात करने वाले हैं। दो राजा कौन कौन से थे? जहांगीर और शाहजहां के बारे में, एक तरफ जहांगीर है दूसरी तरफ शाहजहां है, ठीक है। ये दोनों के बारे में बात करने वाले कि इनके शासनकाल में, ठीक है, इनके शासनकाल में राजपूतों और दक्षिण के राज्यों के प्रति क्या नीति अपनाई मुगल सरकार ने, मतलब मुगल जो सत्ता थी उसने राजपूत के प्रति, ठीक है, राजपूत जो समाज था, जब मुगल सरकार मुगल सत्ता जब आती है ना भारत के अंदर में एंट्री करती है, तब उसको क्या फेस करती है कि जो राजपूत समाज है, मतलब जो राजपूत है, राजपूत बहुत बड़ा मतलब पावरफुल के तौर पर देखा गया, ठीक है, जो राजपूत जो वर्ग था वो बहुत बड़ा पावरफुल के तौर पर देखा गया, बहुत शक्तिशाली वर्ग के तौर पर देखा गया, क्योंकि मुगल को पता चल चुका था कि अगर हमें भारत में राज करना है, लंबे समय तक रहना है, तो हमें राजपूतों से मुकाबला करना पड़ेगा, या फिर उन्हें हराना पड़ेगा, या उन्हें अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा, दो ही चीज़ था, ठीक है। तो ये राजपूत नीति ना मुगल सरकार में, मुझे मुगल सत्ता थी वो अकबर के समय से ही चलती आ रही थी। बाबर हुमायूं ने उतनी ज़्यादा राजपूत नीति पे गौर नहीं दी थी, जिस कारण से उतनी सत्ता का विस्तार नहीं कर पाए थे। अकबर ने सबसे ज़्यादा राजपूत नीति का विस्तार किया था, ठीक है। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां की बारी आती है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ना इस वाले चैप्टर में से तो कम चांसेस बनने का, बट फिर भी चैप्टर है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, बट जो एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स अकबर वाले चैप्टर का जरूर बनता है, ठीक है, अकबर वाले चैप्टर का, कि भाई राजपूत नीति अकबर का बताइए, राजपूत नीति कैसा था, अकबर का बताने के लिए पूछता है राजपूत नीति, ठीक है। तो फ्रेंड्स अकबर वाला राजपूत नीति जरूर पढ़ना, जो पीछे करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाले लेसन को फटाफट हम करते हैं फास्टली वे में, ठीक है। ये बेसिक था थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से। अब देखो फ्रेंड्स, एक एक करके दोनों राज्य का राजा का करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं जहांगीर की बात करूँ, जो 1606 से लेकर 1627 तक आया, ठीक है, रहा राजा रहा, उसने क्या किया, उसके सामने जब वो राजा बनता है तो उसके सामने ना दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब जो उसके दादा परदादा देके गए उसको प्रॉब्लम, ठीक है। पहला प्रॉब्लम था मेवाड़ का, ठीक है, मेवाड़ का प्रॉब्लम सबसे पहला, ये रहा मेवाड़ का। दूसरा प्रॉब्लम आता है इसका दक्कन का, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम इसका दक्कन का, ठीक है। दो प्रॉब्लम इसके सामने बहुत बड़ी होती है, मेवाड़ में भी राजपूत होते हैं और दक्कन में भी, जो दक्षिण एशिया का जो देश है, या फिर उधर जो मैं दक्कन वाली साइड में, दक्षिण एशिया दक्षिण वाला, ये भारत का दक्षिण वाला साइड, वहाँ पे भी राजपूत का राज होता है। जो दक्कन का साइड होता है ना, दक्कन के अंदर में क्या होता है, विस्तारवादी नीतियों का, जो दक्कन के अंदर में क्या करना चाहता था, वो अपनी विस्तारवादी नीतियाँ फैलाना चाहता था, ठीक है, विस्तारवादी नीतियों के तहत ना दक्कन पे अपना अधिकार जमाना चाहता था जहांगीर। और ठीक है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के ऊपर भाई जो राजपूतों का पूरा वो था, घराना था, और मेवाड़ हार मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, मेवाड़ बार बार इनसे पंगा ले लेता, जब भी फालतू बोलते ये पहुंच जाते मेवाड़ मारने पीटने के लिए, मतलब इस तरह से लड़ाई होती थी आपस में, ठीक है। यहाँ पे हम बात क्या करते हैं कि मेवाड़ के अंदर में जहांगीर ने ना अपने दूसरे पुत्र, मतलब जो उसका पुत्र था जाफर बैग करके ना, जाफर बैग, ठीक है, जाफर बैग, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा मैनेज कर लेना यार, आई हैव सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है ना, जाफर बैग करके ना जहांगीर ने अपने दूसरे बेटे को भेजता है, ठीक है, कि भाई जा मेवाड़ के ऊपर, अब तू कब्जा करके आ, अब मारपीट के यो, जीत के यो, बस ये जाफर खां, जाफर उसको भेजता है बैग को, जो उसका दूसरा बेटा होता है, उसके साथ में ना आसफ खां को भी भेजता है, आसफ खां और राजा ना जगन्नाथ को भी भेज सकता है, ठीक है, मतलब तीन लोगों को भेजता है ये, पहले मेवाड़ वाले में ना पहली बार में तीन लोगों को भेजता है जहांगीर, कहता है कि बेटे जाओ, जाफर खां उसका खुद का बेटा, दूसरा बेटा, और आसफ खां उसका मतलब मंत्रिपरिषद का व्यक्ति, और राजा जगन्नाथ वो भी उसके मंत्रिपरिषद का ही लोग, ठीक है, उन तीनों को भेजता है, जाओ आप युद्ध लड़ के आओ, पर वो दोनों तीनों मतलब जाते हैं और हार जाते हैं। मेवाड़ का उस समय जो राजा था वो राणा प्रताप था, मेवाड़ का राजा राणा प्रताप था, ठीक है, राणा, मेवाड़ का राजा राणा था, पर राणा ने अपने पुत्र को सारा कुछ ना, जैसे देखता है ना युद्ध हो रहा रहता है तो बंदा ना अपने पुत्र को सौंप कर, जिसके पुत्र का नाम होता है अमर सिंह, उसके पुत्र का नाम, इस राणा का पुत्र का नाम होता है क्या, अमर सिंह, ठीक है,
अमर सिंह उसके पुत्र का नाम होता है, तो अपने सारा कुछ ना अपने पुत्र को सौंप कर वो भी निकल लेता बेटे। तो ठीक है, उसके बाद ना ये पहला चरण था जिसमें जाफर बैग हो जाता है अब लड़ने के लिए, और आसफ खान जाता है लड़ने के लिए जो हार जाते हैं। दूसरे अगर दोबारा फिर इसके अंदर युद्ध होता है, दोबारा युद्ध के अंदर में क्या होता है, दोबारा युद्ध के अंदर ना एक साल बाद दोबारा जहांगीर भेजता है अपने बच्चे को, भाई जाए एक साल बाद, अब एक साल बीत गया भूल गए होंगे सब, दोबारा जा। तो दोबारा जब भेजता है ना तो महाबत मतलब ना दोबारा भेजता है तो उसको ना महाबत खां को एक सैनिक वो मतलब सेनापति नियुक्त करता है। महाबत खां होता है एक व्यक्ति, महाबत खा करके एक व्यक्ति होता है जिसे ना वो सेनापति नियुक्त करता है। ठीक है, और बोलता है बेटे जा, अब इस बार तू जीत के आइयो, बस तेरे ऊपर ही भरोसा निकल ले, अब तू जा। तो जा महाबत खा जाता है, वो भी अब युद्ध में सफल नहीं हो पाता, वो हार जाता है। जिस समय उसका बेटा, जब वो महाबत खा जाता है तो उस टाइम पर उसका बेटा अमर सिंह राजा बन चुका होता है मेवाड़ का, मतलब मेवाड़ की पूरी सत्ता का बागडोर अमर सिंह के हाथ में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद अगर चौथा ये तो दूसरी बार था, दूसरी बार में ये वाली आई महाबत खा गया, तीसरी बार जो युद्ध के लिए भेजा जाता है मेवाड़ में, तो तीसरी बार में जाता है ख्वाजा अब्दुल्ला। ठीक है, तीसरी बार में जाता है ख्वाजा अब्दुल्ला। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल्ला करके होते हैं वो, जाते हैं भाई ख्वाजा अब्दुल्ला करके भाई अब युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल्ला जाते हैं, ख्वाजा अब्दुल्ला के भी थ्रू जो भी जाते हैं तीसरी बार में वो भी हार जाते हैं। चौथी बार में फिर आता है, चौथी बार में आता है खान ए आजम और शाहजहां खुर्रम। ठीक है, चौथी बार में भाई अब युद्ध खतरनाक होने वाला होता है। एक खान ए आजम करके ना, ये बाबर आजम यूपी वाला नहीं है भाई, खान ए आजम है। ठीक है, आजम, ठीक है, खान ए आजम, और ना जाते हैं खुर्रम करके ना, शहजादा खुर्रम करके जाते हैं। ठीक है, शहजाद खुर्रम, भाई ये शहजाद खुर्रम कौन है पता है आपको? अगर किसी को पता है तो बताओ यार, थोड़ा सा कमेंट में कर बताना कौन सा शहजाद खुर्रम है कौन। ठीक है, अगर किसी ने बुक पढ़ी हो पता चलेगा शहजाद खुर्रम कौन है। तो शहजाद खुर्रम शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया ना, शाहजहां उनका ही नाम शहजाद खुर्रम था, शहजाद खुर्रम। ठीक है, तो चौथी बार में ना शहज आजम खां और शहजाद खुर्रम जाते हैं। ठीक है, अब ये चौथी बार में जाते हैं ना, तो इनकी जो नीतियां होती है भाई, ये भेजा तो जाता है आजम खां को, पर साथ साथ में ना जो जहांगीर होता है बोलता है बेटे तू भी जा इसके पीछे पीछे, जा युद्ध सीख क्या कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो भाई ये जाते हैं, और इनकी जो नीति होती है ना खुर्रम की, जो मतलब शाहजहां की, इतनी खतरनाक होती है कि युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, युद्ध जीत जाते हैं इजिली। युद्ध जीतने का कारण क्या होता है भाई, इनका पूरा मेवाड़ पे अधिकार हो जाता है, मेवाड़ के किले पे अधिकार हो जाता है, पूरा जो जो मेवाड़ वाला एरिया था राजपूतों के, उसमें पूरी तरह से इनके ऊपर अधिपत्य कायम हो जाता है, मतलब पूरा राजपूतों में अपना ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये करके यहाँ पे खत्म होता है जहांगीर का। ठीक है, मेवाड़ खत्म, मेवाड़ जीत गए वो खत्म। अब उसके बाद शुरू होता है खुर्रम का शासनकाल, जिसको हम शाहजहां भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो राजपूत वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अकबर के टाइम वाला इंपॉर्टेंट है, कि अकबर के राजपूत नीति कैसी थी, इनके वाले नहीं आते ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, और 5-6 चैप्टर बचे हैं, पर 5-6 में से 2-3 इंपॉर्टेंट है, जिनका इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट ना मैं बनाकर वीडियो खत्म करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं रखना चाहता मैं, और प्रॉमिस किया हूँ आपसे इसलिए बना भी रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, देन आई चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अगला पार्ट इसका। ठीक है, अब आते हैं हम शाहजहां के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, शाहजहां की जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, शाहजहां की जो स्टार्टिंग होती है 1628 से लेकर 1658 तक रहती है, 1628 से लेकर 1658 तक के बीच में शाहजहां का राज करता है भाई। शाहजहां की राज ना नॉर्मली भाई, जब शाहजहां जब आता है, शाहजहां को जब गद्दी बैठता है वो, तो उस समय टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है उसे दक्षिण में प्रॉब्लम होती है भाई, दक्षिण में। ठीक है, शाहजहां को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है दक्षिण की साइड में फेस करनी पड़ती है भाई, दक्षिण में उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि अब दक्षिण में क्या करें कैसे करें। ठीक है, तो दक्षिण की प्रॉब्लम उसे मिली होती है, जैसे उसके जो वो पिताजी जी जहांगीर था वो भी दक्कन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, वो भी दक्कन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, वो ऐसी भाई छोड़ छाड़ के निकल लेता है दक्कन की प्रॉब्लम को। ठीक है, दो प्रॉब्लम होती है जिसमें विस्तारवाद की नीतियाँ अपनाई जाती है दक्कन में, तो दक्कन में विस्तारवादी नीतियों के थ्रू ना खुर्रम खां को ही भेजा जाता है, जो ये शाहजहां था ना खुर्रम जिसे कहते हैं, खुर्रम खां को ही भेजा जाता है दक्षिण के अंदर में, कि बेटे जाओ अब तुम जीत के आना। ठीक है, दक्षिण वाला तुम्हारा, दक्षिण की नीति अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ मतलब थोड़ा सा उसका बाप स्टार्ट करता है, बोलता है बेटे अब खत्म तुम्हें करना है, इस तरह कह देता है। ठीक है, तो भाई दक्षिण के अंदर में ना ये जाता है, दक्षिण के अंदर में कई सारे युद्ध लड़ते हैं, चाहे गोलकुंडा का युद्ध हो चाहे बीजापुर का युद्ध हो, ये सारे युद्ध लड़े जाते हैं, और युद्ध लड़ने के बाद मतलब उनकी जो नीतियाँ होती हैं उन पर कब्जा करना और विस्तारवादी नीतियों के थ्रू आगे करता है। इसके अंदर में जो मेन मेन युद्ध लड़े गए फ्रेंड्स, एक बार आप पढ़ लोगे बुक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो अहमदनगर का जो था युद्ध वो मेन था, दक्षिण के अहमदनगर का जो युद्ध। ठीक है, जो 1632 के अंदर में इसी वर्ष ना मतलब शाहजहां वापस लौट आया था, मतलब युद्ध करके जीत वीत के वापस आ गया था। ठीक है, अहमदनगर को पूरा मुगल राज्य में शामिल करने का ना, मतलब जो मुगल राज्य में अहमदनगर जो है मुगल राज्य में पूरी तरह से शामिल हुआ 1633 में।
ठीक है, जब शाहजहां ने जीत लिया इस अहमदनगर को, ठीक है, मुगल सत्ता में मिला लिया अहमदनगर को जीत कर, ठीक है, 1633 में। और शाहजहां ही सबसे ज़्यादा लगता है ना ऐसा, मतलब अकबर और शाहजहां ही सबसे ज़्यादा राज करने वाले मुगल सत्ताधारी रहे, जिसमें शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक राज किया। दूसरा जो इसका युद्ध आता है फ्रेंड्स शाहजहां का, वो आता है गोलकुंडा का, ठीक है, गोलकुंडा का। गोलकुंडा में ना जो वहाँ पे निजामी शासक था पहले, निजाम निजाम शासक जो निजाम मतलब जो गोलकुंडा वाला जो एरिया था वहाँ पे थोड़ा निजामी शासक सुल्तानी शासक वहाँ पे राज किया करते थे ये मुगल ना। हमेशा ये नहीं था कि राजपूत और हिंदुओं से ही सिर्फ वो युद्ध या फिर उनकी जगह छीन रहे थे, ये अपनी विस्तारवादी नीतियों के थ्रू जो भी उनके आड़े आ रहे थे, चाहे राजपूत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बंगाली पंजाबी जो भी हो, सभी को उन्होंने लपेटे में लिया था, ठीक है, मतलब ये कुछ ज़्यादा लोकल वर्ड हो गया, तो उन्होंने सबको मतलब हराया था, इस तरह से हम कह सकते हैं। 1633 में निजामी शासक के ना पतन के बाद ही ना कुतुब शाही शासन का वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जब 1665 में ना, जब मतलब 1665 33 के करीब में वो उसमें गोलकुंडा में निजामी शासक होता है वहाँ पे ख़त्म होता है, उसका ख़त्म होता पतन होता है, तो वहाँ पे कुतुब शासक जिसने कुतुबद्दीन ऐबक वाले जो थे ना, जिन्होंने अपना ले बनाया है क्या कहते हैं कुतुब मीनार, कुतुबद्दीन ऐबक, तो वो कुतुबद्दीन के मतलब ना कुतुब के जो वंशज होते हैं उनका शासन शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो भाई अब शाहजहाँ के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे कैसे लड़ना, विशाल सेना, दौलताबाद ये सब पूरे जगह पे कब्जा करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो कुतुबी शाही सेना का को ना फरमान सुनाते हैं अलग अलग तरीके से और फिर जीतते हैं, ठीक है, और वो 1654-55 तक ना, मतलब 44-45-47-48 तक ये पूरी तरह से उसको जीत जाते हैं, ठीक है, जीत जाते हैं। और उसके मतलब ना 1656 मतलब जीतने के बाद 1656 में हैदराबाद को राजधानी नियुक्त कर देते हैं, भाई ये तुम्हारी राजधानी, आज से तुम ये जियो, मजे करो, खत्म, ठीक है। ये तो दो था शाहजहां का। तीसरा आता है शाहजहां का, जो तीसरा युद्ध लड़ा गया शाहजहां ने लड़ा, वो आता है बीजपुर का, ठीक है, तीसरा युद्ध आता है उसका बीजपुर का, ठीक है, जो शाहजहां ने लड़ा था बीजपुर, ठीक है। तीसरे युद्ध के अंदर में ना तीन चरण दो दो से तीन चरणों में बटा रहा, जिसमें ना पहला चरण 1633 से शुरू होता है, जिसमें अहमदनगर को स्वतंत्र करवाकर ना उसमें विलय करवाता है, मुगल साम्राज्य में विलय करवाता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह से बीजपुर के ऊपर ना शासकों के ऊपर पाबंदी करना, राज गिराना, राज अधिकार देना, ठीक है, पैसे मांगना, ये सब चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके से मतलब उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। दूसरा चरण जो होता है ना, दूसरा चरण होता है शुरू होता है 1656 से शुरू होता है, ठीक है, 1656 से शुरू होता है बीजपुर के ऊपर में, जिसमें बीजपुर के अंदर में ना जो आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, जो उसके मतलब पुत्र होते हैं आदिल शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1636 में कई सारी जो संध्या होती है उनके बेस पे मतलब बीजपुर को उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा मतलब वहाँ पे इसका था। उसके बाद ना सीमांत और दक्षिण एशिया में नीति पूछी जाती है कि किस तरह से मुगल सॉरी किस तरह से मुगल ने अपनी दक्षिण एशिया में नीति की। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे जितने भी देश हैं ना, ये सारे दक्षिण एशिया के पार्ट हैं। तो मुगल और कंधार, ठीक है, कंधार जो एक जगह है जो ईरानी और इराक के पास, कंधार, ठीक है, तो इन सब जगहों पे किस तरह से उन्होंने अपना मतलब परचम लहराया, ठीक है, किस तरह से वो किया, ये सब उसके अंदर में आता है, कि वो थोड़ा सा आप स्टडी करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बस थोड़ा सा ये आधा पेज का बचा हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार फ्रेंड्स में सजेस्ट करूँगा वो देख लेना। पर नॉर्मली जो दो थे राजा द्वारा कि भारत के अंदर में उनके किस तरह से नीति थी, राजपूतों स्पेशली राजपूतों के खिलाफ और दक्षिण भारत के खिलाफ, ठीक है, तो वो देख लिया हमने, वो हमने कर लिया। तो बस ये वीडियो यहीं पर होती है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो मैं उसके लिए स्पेशल चाहूँगा कि स्पेशल एक वीडियो बना दूँ, ठीक है, और वीडियो भी ना बनाकर फ्रेंड्स मैं सोचूंगा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ना पूरी सीरीज लेकर आऊँ, जिसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, बाकी वीडियो पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाए आपकी, ठीक है। और फ्रेंड्स सॉरी एट लास्ट, सॉरी यार मैं बना नहीं पाया आपके लिए वीडियो, तो सॉरी, और देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, शायद मैं बना ना पाऊँ आगे भी वीडियो, तो सॉरी यार अभी से ही, पर ट्राई करूँगा कि आपके सारे चैप्टर्स में क्लियर करवाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।